हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फ्रीकी राइडर चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के साथ और आज इसी का एग्ज़ाम है हमारे CSIR का। अभी हम लोग शास्त्री ब्रिज पे हैं और माघ मेला चल रहा है। बढ़िया नज़ारे तो दिख ही रहे होंगे। आई होप बस वाले को देख सकते हो यार, बस वाला पहले उड़ गया, कंडक्टर बाद में हाथ दिखा रहा है। वाह, तो चलते हैं फटाफट से। दीदी को एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है और साथ हम लोग को अभी बज चुके हैं यहाँ पे। वाह, सनराइज ऑन द ब्रिज विद द रिवर। तो अगर हम लोग इधर से स्ट्रेट जाएंगे तो रीवा पहुंच जाएंगे और लेफ्ट लेंगे तो मिर्ज़ापुर नहीं जाना है हम लोग को। अरे नहीं, मिर्ज़ापुर ही जाना है हम लोग को। तो वाह, और उधर साइड में है हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, राइट साइड में हमारे, बट हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं मिर्ज़ापुर वाली रोड के लिए क्योंकि मैप पर यही दिखा रहा है। राइट साइड में है नैनी जेल, उसकी बाउंड्री है, देख सकते हो कितनी बड़ी है और कितनी सुंदर है यार। तो छोटे छोटे काम मत क्या करो वरना यहीं पे मिलोगे फिर। ओके, आगे से सनराइज आ गया हमारे और हम लोग चल रहे हैं अभी नॉर्थ साउथ में। तो सामने है यमुना विहार आवास योजना का बोर्ड और यहीं से हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है, मैप में दिखा रहा है। तो हम लोग कॉलेज आ चुके हैं शायद। हाँ जी, कॉलेज आ ही चुके हैं। यहाँ से हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना है और फिर शायद कॉलेज का गेट होगा। अरे ये क्या, कॉलेज का गेट तो यही है। हाँ तो दोस्तों, दीदी अभी एग्जामिनेशन हॉल में जा चुकी हैं अंदर और हम लोग निकल रहे हैं चाय पीने के लिए क्योंकि वेट काफ़ी देर तक करना पड़ेगा। अभी 12 बजे उनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो भीड़ देख सकते हो, अच्छी खासी भीड़ है। चाय पीने किधर चलें, इधर या उधर? ये रही चाय। चाय है भैया? चलो दोस्तों, चाय मिल गई हमें और यहाँ पे चाय पियेंगे अभी हम। फिर से दीदी का वेट स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर चल के। तो दोस्तों, चाय रेडी है हमारी। देखो चाय। तो दोस्तों, मैं बैठा हुआ था और भैया जी मिल गए हमें। तो भैया जी ने बोला कि हमको टेस्ट ड्राइव करवाना है और वीडियो बनवाना है बाइक पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो कैसी लगी भैया राइड आपको? बाइक आपकी बहुत अच्छी है। बाइक अच्छी है, थैंक यू। तो अभी बाइक भैया चला चुके हैं तो चलते हैं फिर कहीं निकलते हैं। और तो हमने वहाँ पे भैया के साथ चाय वाय पिया, उसके बाद में भैया ने बोला चलो नैनी ब्रिज चलते हैं, घूम के टहल के आते हैं थोड़ा सा। तो निकला है भैया की कार में, बाइक वहाँ पे खड़ी है हमारी और आगे चल के देखते हैं। अभी नैनी ब्रिज पे रुकेंगे थोड़ा टाइम। यूट्यूबर भैया। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी मिंटो पार्क में हैं। नैनी ब्रिज से हम लोग नज़ारा देखते हुए आ गए यहाँ तक और तो चले आए फिर हम लोग मिंटो पार्क घूमते टहलते। तो बताएं भैया, ये साइकिल का क्या है सिस्टम? साइकिल में आपको सबसे पहले चार्टर्ड बाइक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद अपना नंबर नेम रजिस्टर करिए। अच्छा। नंबर नेम रजिस्टर करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, 300 रुपये सिक्योरिटी मनी। हाँ। उसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अच्छा। उसके बाद फिर स्कैन करिए, लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हाँ हाँ। फिर क्या कहते हैं, राइड करिए, 1 घंटे का 5 रुपये, 2 घंटे का 10 रुपये। अच्छा। और आधे घंटे के अंदर खड़ी कर रहे हैं तो 1 रुपये नहीं लगेगा। आधे घंटे के अंदर अगर खड़ी कर रहे हैं तो 1 रुपये भी नहीं लगेगा, वो 300 रुपये सिक्योरिटी भी वापस हो जाएगा। नहीं, सिक्योरिटी आपका क्या कहते हैं रहेगा उनके पास, जैसे मान ली इन फ्यूचर। हाँ हाँ। वो नहीं चलाना होगा। हाँ हाँ। आप मेल कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, पूरे इलाहाबाद में 30 स्टैंड। हेलो। तो भैया जी अभी बिस्किट खिलाने जा रहे हैं। देखो, हम लोगों ने उधर अभी पेटीज खाई, चाय पिया और कुत्ते को भी बिस्किट वगैरह खिलाया। तो किधर चले अभी? तो गाइस, टाइम हो रहा है अभी
11 बजने वाले हैं, 10:30 हो रहा है, तो चलते हैं अभी नैनी ब्रिज से होते हुए। नैनी ब्रिज आपको आई होप दिख रहा होगा इधर से होते हुए फिर से अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे एग्ज़ाम हॉल था, एग्जामिनेशन सेंटर पे। दीदी को लेना है, फिर वहाँ से घर निकल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापस से एग्ज़ामिनेशन हॉल के सामने, दीदी का वेट कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30, टाइम हो चुका है निकलने का। और अपने भाई की गाड़ी ये खड़ी है और अपनी गाड़ी ये खड़ी है। भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, तो वेट कर रहे हैं अभी दीदी आ जाएं, बस पर निकलते हैं घर सीधे। तो दीदी आ चुकी हैं हमारी बाहर एग्जामिनेशन हॉल से, और भीड़ देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है। पेपर ख़त्म हो गया, हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए। ट्रैफिक लगा हुआ है यार, आगे से बंद कर रखा है रास्ता इन लोगों ने कि क्रॉस ना कर पाएँ, नहीं तो जाम और बढ़ जाता। उस लेन में देखो यार, जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, उस लेन से ही होकर आना है हमें अभी, और कोई रास्ता भी नहीं है इधर तो आ पाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों जाम लगने की वजह ये वाली रोड है, ये देखो उल्टा उल्टा घुस जाएंगे यार, और फिर जाम लगा देंगे ये लोग बिना मतलब का। बस उसके बाद फिर क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है, ये देखो रोड क्लियर मिल गई है, हम लोग निकलते हैं फटाफट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल कम है थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट राइड पता नहीं कब हो, शायद आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। यहाँ पे रेड लाइट और कितना टाइम है, 35 सेकेंड है, स्टॉप करते हैं वीडियो को। तो हम लोग चुंगी से लेफ्ट टर्न लिए हैं, अभी जा रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल पम्प ये सामने ही है अपना, तो और पेट्रोल ख़त्म हो गया लगता है। ऐसी कंडीशन ना हो कभी, इसलिए पेट्रोल भरा के हमेशा इमरजेंसी में रखा करो यार। तो गाइस पेट्रोल हमने डलवा लिया, अभी देखो चलते हैं अभी फटाफट घर निकल के। हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, बस आगे शास्त्री ब्रिज है वो क्रॉस करेंगे, घर पहुंच जाएंगे। और GoPro में ज़्यादा बैटरी बची नहीं है, तो ब्लॉग ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।